हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एटीन टॉप में थर्सडे, आज होगा डे का फर्स्ट और आज अपने को बहुत काम करना है। कल का जो वीडियो एडिटिंग करवाना है 17 का, तो अभी तक मैंने एडिट नहीं किया था। तो वक्त था तो सोचा कि मैं वो एडिट कर लेता हूँ और उसको पब्लिश कर देता हूँ। कल का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ एक 10 मिनट का ही होगा। छोटे छोटे व्लॉग करके डाल रहा हूँ, क्योंकि बीच का जो पोर्शन है जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ उस पोर्शन में मुझे ज़्यादा शूटिंग करना नहीं होता है। कस्टमर आते रहते हैं, मैं फील्ड पे रहता हूँ। हाँ, जो फील्ड वाला जाने का जो पोर्शन है मैं शूट कर सकता हूँ, बट अपना एप्पल जो है ना वो बंद पड़ा है। उसको इस संडे को डेफिनेटली उसका रिपेयरिंग कर लूँगा और स्टार्ट कर दूँगा। मेरी बाकी खड़ी पीछे, इसके लिए मैं डिस्ट्रक्शन हो जाऊँगा। गाइज, आज अपने को करना है पुणे के लिए ट्रैवल। 2-3 काम बचा है मेरा, तो वो करना है, मुझे पुणे में जाना है। यार यहाँ पे ऐसा होता है ना कि सब लोगों को आ गया है प्रेशर, काम बहुत हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इतना काम करने की पहले आदत थी तो इतना सारा लोड नहीं आया था। ऐसा समझो कि ये जो मई चल रहा है ना, ये चल रहा है पूरा मार्च का एंडिंग। मार्च एंडिंग में जो प्रेशर होता है, जो दबा के काम होता है, सेम टू सेम काम चल रहा है भैया फिलहाल। तो अभी करता हूँ एडिट और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो थोड़ा रुक जाओ, अभी तो मॉर्निंग का 7:30 बजे करता हूँ। तब तक छोटा मोटा एडिटिंग कर लेता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ, फिर बात करते हैं उससे। स्टे ट्यून्ड। सो हे गाइज, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग बोल चुका हूँ। तो आज 18 मई है। मैं एक्चुअली भूल गया था कि आज हमारा है वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी है, 9 साल हो गए हमारी शादी को। हाँ तेजो, 9 साल से हम एक दूसरे को सह रहे हैं। नहीं, एक्चुअली तेजो मुझे सही रही है। रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा, रुक जा भाई। मैं अपने व्यूवर्स को बोल रहा था कि 9 साल से तू मुझे सही रही है। सही बात है ना? दोनों सही रहे। खुद ही मुँह से वो भी दोनों सही रहे। हाँ भाई, हमारी शादी को हो गए 9 साल और 2014 में हमारा शादी हुआ था। तो उस टाइम से हम दोनों एक दूसरे को सह रहे और इतना सही थे इतने। तो 9 साल से हम एक दूसरे को कैरी कर रहे हैं। तो अवर 9 years टुगेदरनेस। लास्ट ईयर हम थे औरंगाबाद में, तो उस टाइम पे ना तेजू को फर्स्ट टाइम हद हो गई। जैसे कैमरा उठाता हूँ कॉल आ ही जाता है। हो गया भाई मेरा कॉलिंग। तो जैसे बात कर रहा था कि 9 साल हो गए हमारी शादी को और 9 सालों में हमने शादी में हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और अभी भी चल ही रहेगा, शायद और चलेगा, बहुत सालों तक चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। नोबडी इज़ परफेक्ट इनके हिसाब से। नो बडी परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो कुछ उनमें कमियां हैं तो मैं फुलफिल कर दे रहा हूँ। मुझमें बहुत सारी कमियां हैं, वो हैंडल कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, या आप बोलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। तो ऐसे ही चलता है भाई, लाइफ तो ऐसी ही होती है और शादी भी ऐसी ही। तो आज स्पेशल क्या प्लान करना है तो अभी आने के बाद सोचूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका बहुत सारा काम है, मुझे जाना भी है पुणे में। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली कल याद नहीं था कि आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। शायद मैं कुछ अलग प्लान कर लेता था, बट अभी प्लान में चेंज नहीं कर पाऊँगा। प्लान में चेंज करूँगा तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पर मेरा जाना ज़रूरी है, तो मैं जाके आता हूँ। लगे तो शायद जल्दी आ जाऊँगा। छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, करना ज़रूरी है, क्योंकि वर्क काम तो काम है, वो अलग है, ये अपना फैमिली मैटर हुआ। तो गाइस चलो अभी इमीडिएटली निकलते हैं, सुबह मॉर्निंग में जाके अपना काम ख़त्म करते हैं और वापस आके देखते हैं कि एंजॉय कितना करता है। देखो ये बच्चा अरे गिर जाएगा बाहर। क्या बेटा ऐसा करते है क्या? बड़ा हो गया ना, और वो बड़ा हो गया ना मेरा बेटा। अभी 9 बज गया है, मुझे आज भी लेट हो गया। वैसे मैं रेडी हूँ, तेजू भी रेडी है। अभी घर की जा रही है, उसका प्रोग्राम करने के लिए हमेशा का प्रोग्राम होता है। खाना खाने से पहले डाउनलोडिंग होना चाहिए, फिर अपलोडिंग करेंगे। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। 9 बज चुका है। जैसे मैंने बताया कि हमें लेट हुआ है। देखो हम दोनों रेडी हैं। आज 9 साल हो गए हमारी शादी को। सुबह तो मैं भूल ही गया था। तो मैं जब शूटिंग कर रहा था तभी तेजू आई और उसने मुझे याद दिलाया कि आज अपना वेडिंग एनिवर्सरी है। स्ट्रेस में थोड़ा भूल जाता हूँ, बट दैट टू मूव वाज वेरी क्यूट फॉर मी। तेजू ने तो मॉर्निंग में किया। तो अभी हम छोटा सा ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो काम है या स्ट्रेस है बैंक में वो चलता रहेगा। उसके लिए मैं अपना फैमिली क्यों हैम्पर करूँ, या मैं अपना फैमिली टाइम क्यों बर्बाद करूँ। सो तेजू बोल रहे थे कि आप आज नहीं जाएंगे, कल परसों चले, कहीं किसी और दिन हम ये प्रोग्राम करेंगे, बट नहीं, आज का दिन है तो इम्पोर्टेंस आज के दिन का होता है, हमेशा ये दिन नहीं आएगा। तो इट्स टू बी ओके। मैं कितना भी थका भागा होगा फिर भी हम बाहर जाएंगे। 9 बजे तो यार अपना पुणे का तभी नाइट लाइफ शुरू होता है, तो देखते हैं। हाँ भाई, तो गाइज हम कैसे लग रहे दोनों कमेंट लो। ये चकली बनाई थी तेजू ने, मैं कच्ची खा रहा हूँ। तो है गाइस, आ गए अभी पंजाबी रसोई में। पार्टी हमारा शुरू हो चुका है। अभी दो मेनू लगता है यहाँ पे, एक वेज एक नॉन वेज, वो भी वेज ही है ना। गार्गी दुकान तो पंजाबी रसोई में आया, इसलिए हम सेकंड टाइम है हमारे यहाँ पे। प्लेस इज वेरी नाइस। वी आर एंजॉयिंग आवर नाइट टू हियर। और आज तेजू का पास्ता, तो वैसे ही इसी पे अभी ऐसे ही छूटेगा। हाँ भाई, ठीक है। गार्गी बोल रहे कि फास्ट में चला था, ऐसे भी स्लो ही चला था बेटा मैं। हाँ तो हो गया वही अपना पंजाबी रसोई में खाना। आ गई कहाँ से। तो चलो अभी निकलते घर पे। एंजॉय किया हमने बहुत अच्छे। हाँ भाई, एंजॉय हुआ है। गार्गी ने भी एंजॉय किया बेटा। उसको टेंशन है कि गाड़ी फास्ट मत चलाओ। चलो गाइस, चलते घर पे और घर पे जाके बात करते हैं। आ गई भाई घर पे। अभी बज रहा है 11:30। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया भाई। गार्गी थोड़ा नर्वस आ गई आज, क्यों क्या पता। हाँ बेटा, क्यों नर्वस आ गए हो भाई मेरा छोना। गार्गी थोड़ा नर्वस आ गई है। यहाँ पे ना मस्त हवा चलती रहती है। और ये फ़ैन 24 घंटे 24 आवर्स और 375 डेज चलते रहते हैं। उसको बटन ही नहीं बंद करने का। चाबी मेरे पास ही है, ले लो भाई। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा वेडिंग एनिवर्सरी डे पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही प्यार बना के रखिए। अभी सोते हैं यार, मैं पुणे में गया था, बहुत थक गया था। तो अभी सोते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।